गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। पंद्रह अप्रैल 1960 सिस्टर ठाकुर जी से दंड ग्रहण कर रहे हैं कलकत्ता में अमेरिकी राजदूत मिस्टर जेपी ब्राउन। 2 अक्टूबर 1960 सिस्टर ठाकुर जी से दंड ग्रहण कर रहे हैं कलकत्ता में यूएआर के राजदूत मिस्टर मोहम्मद हफीज। 24 अक्टूबर 1961 सिस्टर ठाकुर जी से दंड ग्रहण कर रहे हैं कलकत्ता में यूएसएसआर के राजदूत मिस्टर एफ अनुफ्रीज। सिस्टर ठाकुर जी के साथ आलोचना कर रहे हैं अमेरिका के प्रसिद्ध प्रकाशन संस्था के उपसभापति मिस्टर यूजिन एक्समैन। मिस्टर यूजिन एक्समैन भारत में ठाकुर जी से मिलने के पहले अपने पुराने मित्र डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी से ठाकुर जी के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि भारत के राष्ट्रपति थे ठाकुर जी के बारे में मिस्टर एक्समैन को सकारात्मक दृष्टिकोण पुष्टि करने के बाद ही मिस्टर एक्समैन अमेरिका से कलकत्ता होते हुए देवघर आए हुए थे ठाकुर जी से मिलने के लिए। ठाकुर जी से लंबी दौर की बातचीत के उपरांत मिस्टर यूजिन एक्समैन को बहुत ही प्रसन्नता प्राप्त हुई। उन्होंने 13 सितंबर 1961 को सिस्टर ठाकुर जी की दीक्षा ग्रहण की। सिस्टर ठाकुर जी के सैकड़ों विदेशी भक्तों में सबसे नजदीकी जाने जाते हैं मिस्टर रे आर्चर हाउजरमैन। सिस्टर ठाकुर जी के इच्छा अनुसार मिस्टर रे आर्चर हाउजरमैन को मिला था विदेशी भक्तों में सबसे पहले ऋतिक बनने का महत्वपूर्ण सौभाग्य। मिस्टर रे आर्चर हाउजरमैन थे पहला विदेशी लेखक जो सिस्टर ठाकुर जी के जीवनी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा में रचना की थी। 1962 को न्यूयॉर्क से ओशन इन ए टीकप प्रकाशित हुई। इस किताब का प्रकाशित होते ही एक हलचल मच गई थी। ओशन इन ए टीकप जिसका अर्थ होता है एक चाय की कप में महासागर। इट वॉज 20 सितंबर 1961 American journalist James Michael asked Sisri Thakur after a visit of Satsang Ashram, "Thakur, I belong to that country where time is measured in terms of dollars. They have no time to discuss all these philosophical phenomena. Please tell me in a word or two the philosophy of Satsang." Without a second's hesitation, Thakur replied, Be concentric. "How to be concentric, Thakur?" asked Michael. "Can you be concentric without having any center?" Thakur wanted to know from him. Mr. Michael asked again, "Suppose I make Henry Ford my center?" Thakur smiled and replied softly, "You will reach up to Henry Ford, but not Jesus Christ." James Michael was very much impressed with the talks he had with Thakur, and he prepared to make Thakur his center of love and become his disciple.